दोस्तों मेरे हाथ में कुछ एपीके लगी है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और बहुत ही ज्यादा दोस्तों सिंपल सा ट्रिक बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे लाइफ को और भी ज्यादा मतलब इन्हेंस करने के लिए या ईजी बनाने के लिए होता है, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे मिला है जो दोस्तों 27 सितंबर को मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। वीडियो दोस्तों आपको बाद में मिलता है, लेकिन पहले जो चीज मेरे हाथ में लगता है मैं वो आप तक प्रोवाइड कर देता हूं। तो दोस्तों आज कितने तारीख पे भी वीडियो जा रहा मुझे पता नहीं, लेकिन यहां पर देखिए ये सारा चीज मिलता है। लेकिन आपको सारा चीज करना है करिए, लेकिन आप वीडियो एक बार देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि सारा चीज करना है या कुछ करना है और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले दोस्तों स्कैनर दोस्तों नया जो आया है वो दोस्तों चाइनीज स्कैनर है, बहुत ही जल्दी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरफेस कुछ इस तरह का है, यहां पर क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, स्कैन से चलते हैं। यहां पर आप किसी भी तरह का बारकोड को स्कैन कर सकते हैं, यहां पर दोस्तों ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों ये चाइनीज में दिया गया है लेकिन हिंदी वगैरह में भी आ जाएगा, तो इस तरह का कुछ है यहां पर, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, फोटो हो गया, आप कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आप क्रिएट पीडीएफ या पीटी बना सकते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों यहां पर अगर आएंगे तो मल्टी पेज अगर आपको करना है तो दोस्तों वो भी एक बार में आप कर सकते हैं। जैसा दोस्तों एक बार आप किए, फिर हुआ, फिर दूसरा बार किए, फिर हुआ, फिर तीसरा बार किए, तो दोस्तों इस तरह से मल्टी बार में हो सकता है और एक साथ आप दोस्तों सारा को सेव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये जो स्कैनर है दोस्तों ये मी एआई स्कैनर है, इसमें एआई बिल्ट है दोस्तों, तो इस तरह का यहाँ पर कुछ रहता है। और दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो देखिए स्कैनर हिस्ट्री, इसको ऑन करके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आने वाला मतलब हम फ्यूचर में कौन कौन सा किए हैं। और यहाँ पर दोस्तों शो स्कैन रिजल्ट व्हेन रिटर्न टू द ऐप, इसको दोस्तों ऑन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया किस तरह का रिजल्ट वगैरह दे रहा है। तो ये सारा चीज है, तो ये जो स्कैनर है दोस्तों अभी आप करने का दिल है तो करिए, नहीं करने का दिल है तो मत करिए। लेकिन इस तरह का दोस्तों यहां पर कुछ मामला बनता है, देखिए क्रिएट पीपीटी टेक्स्ट सारा कुछ दोस्तों यहां पर दिख जाएगा। तो ये है दोस्तों एआई स्कैनर, जिसको दोस्तों आप कर सकते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड हमारे दोस्तों सॉफ्टवेयर के थ्रू। बात करते हैं दोस्तों दूसरा है सिक्योरिटी जो दोस्तों चाइना का आया है, लेकिन इसको बताने से पहले इसको इंस्टॉल मत करिएगा, क्लियर बोल रहा हूँ, इसको इंस्टॉल मत करिएगा। हम दे दिए लेकिन इंस्टॉल करके फ़ायदा नहीं है, हाँ थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है दोस्तों, कल इसको टेस्ट करते करते मुझे एक चीज़ पता चला कि बहुत लोगों का बैटरी ड्रेन होता है, तो वो लोग वजह नहीं समझते, गेमिंग की वजह से भी होता है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी होता है और मोबाइल नेटवर्क की वजह से भी होता है। तो दोस्तों मोबाइल नेटवर्क को हम देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क कैसा है, स्ट्रांग है या गिया गुजरा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बैटरी में आ जाएंगे और इस तरह से आ जाएंगे तो नीचे जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा बैटरी यूजेस दिख जाएगा, लेकिन साइड में रैंकिंग है। इसमें दोस्तों जब आएंगे तो नीचे में डिटेल दिया हुआ है, डिटेल में जैसे आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क सिग्नल ये वाला जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है देखिए, यहाँ पर आपको दो कलर दिखता होगा, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। डार्क ग्रीन का मतलब यह है दोस्तों कि आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जब मतलब डार्क ग्रीन रहेगा तो समझ लीजिए नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका बैटरी ड्रेन नहीं होता। लेकिन हल्का ग्रीन मतलब दोस्तों लाइट ग्रीन अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका नेटवर्क जो है सही नहीं चल रहा है। दूसरा चीज है यहां पर दिखाएगा कि वाईफाई कब कनेक्ट था और कब कनेक्ट नहीं था, ठीक है, तो वो चीज दिखाएगा। वेक फोन कितने बार आपका नोटिफिकेशन से स्क्रीन ऑन हुआ है वो चीज दिखेगा, और स्क्रीन ऑन टाइम, ठीक है, मतलब ये जो है आप फोन कितना यूज किए हैं वो चीज भी पता चल जाएगा, और स्क्रीन ऑन टाइम के नोटिफिकेशन की वजह से कितने बार आपका फोन यहां पर ऑन हुआ है, तो ये सारा चीज पता चल जाएगा। अब ये है सॉफ्टवेयर का और ये है दोस्तों हार्डवेयर का कि कौन सा ऐप कितना आपका ले रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन और कॉल यही दोस्तों हार्डवेयर में ले रहा है, और सॉफ्टवेयर में दोस्तों ये सारा चीज़ें जो आपको देख सकते हैं। तो ये तो मुझे बताना था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं नोट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स में एक खास चीज देखिए, मान लीजिए ये वाला वीडियो है मुझे कहीं शेयर करना है, ठीक है, या इसका लिंक को कॉपी करना है, तो दोस्तों क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं और यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स खुल गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर हम कॉपी करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कॉपी करेंगे देखिए एक्सपर्ट्स खुल गया, इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा दोस्तों लिंक सेव हो गया, ठीक है। अब हमें लिंक देखना है दोस्तों, तो क्या जहाँ सेव किया, तो नोट्स में जाएंगे सिंपली, देखिए एक्सपर्ट्स में यूआरएल दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं अभी, ठीक है, तो यूआरएल दिख रहा है यहां पर,
देखिए ये URL दिख रहा है, ठीक है, ये वाला URL है। तो ये वाला दोस्तों कैसे सेव किया हम, कोई भी दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का लिंक कहीं से भी, अगर हम मान लीजिए कोई भी ये वाला वीडियो जैसे हमको देखना और इसका हमने कॉपी कर लिया लेकिन हमको पेस्ट करना, तो एक्सपर्ट खोला इसमें बस सेव कर दिया। तो दोस्तों बस सेव करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों और भी चीज़ दी गई है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए इसको ऑन कैसे करना, ये जो एक्सपर्ट्स है। पहले क्या होता था दोस्तों, जो साइट स्लाइडर हम खोलते थे तो ऐसा दिखता था, देखिए व्हाट्सअप से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसके सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर क्विक नोट्स में आएंगे और इसको ऑन करेंगे दोस्तों। तो ऑन करने के बाद अब अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर एक देख लीजिए हमारा बन गया क्या चीज़ का, नोट्स का आइकॉन। नोट्स में आएंगे तो यहाँ पर से हम शॉर्ट नोट्स में जो भी लिख सकते हैं, जो भी बना सकते हैं, यहाँ से दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ मामला है। तो ये चीज़ कैसे हुआ, बस यहाँ से ऑन करना, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, इसको ऑफ करेंगे, ऑफ कर देंगे तो ये चीज़ नहीं आएगा। तो ये चीज़ दोस्तों नोट्स में बताना था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों पैकेज इंस्टॉलर, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, AOD को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैमरा APK 4.5 इसको कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, इसको करेंगे दोस्तों तो एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस को जो है थोड़ा कम रेट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस तरह का कुछ मतलब इंटरफेस काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर देखिए फ़ोन का जो शटर है उसको दोस्तों स्विच होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है, तुरंत तुरंत हो जा रहा है, तो इस तरह का कुछ है। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज़ आया दोस्तों जो देख सकते हैं, करंट ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है दोस्तों। तो अगर फ़ोन ऐसे फ्लैट रखे रहेगा तो पता चल जाएगा कि हम कैसे रखें, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो वॉइस शटर का दोस्तों यहाँ पर आ चुका है जो स्टेबल में है, ठीक है, ये चीज़ आ गया वॉइस शटर। जैसे हम इसको ऑन कर देंगे और बोलेंगे चीज़ वगैरह तो दोस्तों ये फ़ोटो क्लिक कर देगा, चीज़ देखिए फ़ोटो क्लिक कर दे रहा, ठीक है, तो इस तरह का है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन का जो मैंने दिखाया दोस्तों कि ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर जब आएंगे दोस्तों तो देखिए नोटिफाई अबाउट ओरिएंटेशन, ये जो है दोस्तों ऑन कर देंगे दोस्तों तो डर्टी लेंस वगैरह रहेगा या फिर किसी भी तरह का मतलब फ़ोन ऐसे फ्लैट रखा हुआ है तो ओरिएंटेशन बता देगा, तो इसको ऑन कर देंगे तो दिखेगा। तो यही दोस्तों कुछ चीज़ें हुई जो दोस्तों आया था, जो मैंने आपको बताया सारा दोस्तों दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाला, आइए इंस्टॉल करिए और बताइए कैसा लगा। कुछ भी आता है दोस्तों न्यू रेडमी या पोको या शॉमी के फ़ोन में तो हम आप तक वीडियो पहुँचाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे APK वगैरह हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं और उसका वीडियो भी आपको देते रहते हैं, हर तरह का चीज़ हो जाएगा। और ये लाइव वॉलपेपर का जो मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि कुछ नहीं करना है, इसे टेलीग्राम में आना है, यहाँ पर से ओपन करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है वॉलपेपर। देखिए वॉलपेपर करेंगे तो सुपर लाइव वॉलपेपर वगैरह आ जाएगा। तो ये वाला जो है दोस्तों 60 MB का, इसको भी कर लीजिएगा, नीचे पिक्सल वॉलपेपर वो भी कर लीजिएगा, सुपर लाइव वॉलपेपर उसको भी कर लीजिए, तो दोस्तों आपका ये सारा चीज़ काम करने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया आना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल कमेंट में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।